दोस्तों हमें अक्सर ऐसा लगता है कि एक युद्ध का उद्घोष होता है और फिर युद्ध की शुरुआत होती है ऐसा दोस्तों कहना सही नहीं होगा कोई भी देश हमेशा अंडर अटैक होता है स्पेशली जो आउटसाइड पावर है वो उसको एक तरीके से अगर आप देखें तो अंदर से खोखला करना चाहता है और अपने अनुसार उसको कहीं ना कहीं ढालना चाहता है और इसी में अगर आप देखें तो अक्सर प्रयास तो क्या किया जाता है कि जो रूलिंग पावर है उसको पैसा दे दिया जाए और अपने अनुसार अपने इंटरेस्ट को उसी से सर्व करवा लिया जाए नहीं होता है तो अपोजिशन को किस प्रकार से फंड किया जाता है आपने पहले पार्ट में तो देख ही लिया होगा दोस्तों आज दूसरा पार्ट है जब ये सब फेल हो जाए तब क्या होगा दोस्तों तब रिजीम चेंज करने के लिए स्टेप टू होता है एसेनेशन दोस्तों मरवा दिया जाता है दोस्तों आपको लगेगा कि भारत जैसे देश में ऐसा थोड़ा ही हो सकता है पर अगर आप हमारा इतिहास देखें दोस्तों अगर आप देखें तो हमारा इतिहास बोध थोड़ा कम है लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं तो बहुत सारे असैसिनेशन भारत में भी हुए हैं तो आइए उन सारे असैसिनेशन या जो नहीं भी है एसैसिनेशन आज के टाइम में लेकिन संदिग्ध हालात में जहां पर मृत्यु हुई है उन सभी के पीछे की जो कहानी है एक बार वो देखते हैं कैसे भारत अंडर अटैक हुआ है और स्टेप एसासिनेशन के प्लॉट को अंजाम दिया गया है, देख लिया है और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था आज हम देखने वाले एसैक्सिनेशन की ओर क्या है एसैक्सिनेशन की कहानी क्या है भारत में क्या हुआ है आइए सब कुछ देखते हैं पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं और ये सब किसी ना किसी तथ्य पे आधारित है जो सब कुछ आपको मैं वीडियो में लिंक में ही दिखा रहा हूँ और आप उसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा इसको अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दें और भारत संवाद हमारा तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है इसको प्रेम दें सब्सक्राइब करें आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी हौसला मिलता है इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं जो बहुत साहस से बनाए जाते हैं वो सब मैं आप तक ला पाता हूँ दोस्तों अगर आप देखें तो भारत में शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई है एसैसिनेशन टेक्निकली तो नहीं कहा जाता लेकिन बड़े ही संदिग्ध हालात में हुई है वैसे ही आप अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो इंदिरा गांधी जी वैसे ही राजीव गांधी जी तो एसेनेशन ही हुआ है जो कि दुनिया जानती है इसके सिवा वुड बी प्राइम मिनिस्टर संजय गांधी जी अगर आप देखें तो इनकी भी जो मृत्यु हुई मृत्यु हुई है बड़े ही संदिग्ध हालात में है इनके एक्चुअल डेथ के पहले इनके ऊपर तीन बार अटेम्प्ट किया गया था लाइफ का तो दोस्तों क्या है पूरी कहानी आइए देखते हैं देखिए दोस्तों होता क्या है कोई भी डायरेक्टली नहीं करता है पहला हमेशा स्टेप होता है कि रूलिंग पार्टी को फंड करके अपने अनुसार कर लिया जाए उसको पैसे दे दिए जाए और उसको चुनाव जीतने में अलग तरीके से मदद किया जाए सो दैट वो हमारे इंटरेस्ट को जो सामने वाली पार्टी है यहाँ पे अगर यूएसए है तो सी के अमेरिकन इंटरेस्ट को वो सर्व कर सके अब दोस्तों अक्सर रूलिंग पार्टी अगर ऐसा ना करे तो क्या होता है उस केस में अपोजिशन को फंड किया जाता है सीआईए अपना पैसा देता है उसकी बड़ी सी प्रोपोगंडा मशीनरी है जिसमें अवार्ड भी है अवार्ड वाला जो गैंग है पूरा वो भी इंक्लूडेड जो अवार्ड देते हैं वैसे ही आप अगर देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके साथ एफिलियेटेड हैं एन हैं वो सब इनके अनुसार काम करते हैं और अपोजिशन को बड़ा बनाया जाता है जिस प्रकार से उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल शक्तिशाली हैं लोगों की आवाज है और ये सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये प्रोपोगंडा मशीनरी काम करने का प्रयास तो करती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये काम कर जाए यही इसका ड्रॉबैक भी है कि इट मे नॉट ऑलवेज वर्क दोस्तों अगर अपोजिशन पार्टी सामने वाली पार्टी को हरा ना पाए शायद आप लोग तो काफी चीजें लिंक कर पा रहे होंगे अगर ना हरा पाए तो क्या होगा वैसे ही अगर कोई ऐसा देश हो जहाँ पे बस वन पार्टी रूल है कोई अपोजिशन ही नहीं है तो वहां पे कैसे अनफ्रेंडली लीडर को हटाया जाए तो वहां पे सी इस्तेमाल करता है एसैसिनेशन प्लॉट्स का दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल एग्जांपल देता हूँ फिर भारत की ओर हम चलेंगे 1961 की बात हो रही है कॉन्गो है बेल्जियम का कॉलोनी हुआ करता था बस आजाद हुआ है कुछ साल पहले और इसको मिलते हैं पहले प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा दोस्तों बड़े ही यंग है करीबन अर्ली थर्टीज में है ये और ये हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं और इसके साथ कहा जाता है बहुत ऑनेस्ट भी हैं ये दोस्तों कांगो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की ओर लेके जा रहे हैं बेल्जियम से जस्ट अभी आजाद हुआ है और इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक में लेकिन इनसे एक भूल हो जाती है ये यूएसएसआर की ओर देखना शुरू कर देते हैं और इस बीच में इनके ऊपर अगर आप देखें

दोस्तों अगर आप 1966 एक साल की बात करें ये एक ऐसा साल था भारत ने पाकिस्तान को एक साल कुछ बराधर 1965 में हराया है जंग में और उसके बाद करीबन करीब जंग जस्ट ख़त्म हुई है और जनवरी का महीना है भारत एक विजेता बन चुका है साथ साथ अगर आप देखें तो 11 जनवरी 1966 को उसी के बाद जो टाशकंड अग्रीमेंट है उसके लिए शास्त्री जी जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है बड़े ही संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु होती है दोस्तों भारत के लिए अगर आप देखें तो शास्त्री जी जिनको एक लीडर जो कि टॉल स्ट्रेचर लेना अभी शुरू कर रहे हैं उनकी मृत्यु होती है और दो हफ्ते के अंदर अंदर बाबा जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हैं जो भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट जो भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले हैं उनकी मृत्यु हो जाती है दो हफ्ता भी नहीं होता दोनों की मृत्यु बड़े ही संदिग्ध हालात में होती है कारण जानते हैं दोस्तों क्या होता है है न्यूक्लियर बॉम्ब 1962 वॉर में इंडिया चाइना से हार जाता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ आ जाती है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा तो आपको कोई भी इसी प्रकार से आंख दिखा के चला जाएगा तो ये जो हम ढोंग रच रहे हैं कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए हम तो शांति प्रिय है ये शांति तभी तक बनेगी जब तक आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा ये बात समझ आनी शुरू हो जाती है और ये बात के पीछे जो ताकत है वो है होमी जहांगीर बाबा जो मना रहे हैं तब से पॉलिटिशियंस को कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है आप लोगों ने अगर रॉकेट बॉयज नहीं देखी है तो मैं कहूंगा जब समय मिलेगा जरूर देखिएगा होमी जहांगीर बाबा एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है मतलब उनसे शायद प्रेम हो जाए ऐसी पर्सनैलिटी उनकी आपको उनके बारे में जानने मिलेगा उसके साथ साथ दोस्तों 1962 में तो हम जंग हारी गए और हमारी जो कहीं ना कहीं आप देखें तो जो आत्म सम्मान को बहुत ज्यादा एक ठेस तब पहुंचता है जब चाइना दो साल के अंदर अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लेता है और उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शास्त्री जी ने भी एक गो हेड जैसा देना शुरू कर दिया था होमी जहांगीर बाबा को नेहरू जी की जो पॉलिसी थी न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके टुवर्ड्स लेटर पार्ट 1962 एक बाद एक MD वैलेंस की होने लगी थी कि देख लो क्या करना है लेकिन शास्त्री जी रोक लगा देते हैं वो भी पैसिफिस्ट थे लेकिन 1965 आते आते चीजें समझ आनी लग जाती हैं और इसके साथ ये सीआईए का डॉक्यूमेंट है जो आप यहां पे देख रहे हैं कि इंडियाज पोटेंशियल टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन दोस्तों ये कब आया है रिपोर्ट ये बाद का रिपोर्ट है 1974 मई को इंदिरा गांधी जी के अंदर भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया है काफी इसके जो हिस्से हैं रिडेक्टेड हैं हटा लिए गए हैं तो इसी में अगर आप देखें तो वो सीआईए का ऐसा एस्टिमेट है वो कह रहे हैं कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब के तरफ इंटरेस्ट शो करना शुरू किया है अर्ली नाइनटीन में चाइना से जब प्रॉब्लम शुरू हो रहे थे उस वक्त डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी जो कि इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन थे उन्होंने कहा था न्यू दिल्ली में न्यूज वालों को क्या कहा था कि इंडिया दो साल में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है अगर वो चाहे तो इसके साथ अगर आप देखें तो जो ओपन सोर्सेज में खबर थी उससे भी यही लग रहा था कि इंडिया न्यूक्लियर डिवाइस बनाने जा रहा था 1965 में ना क्लैंडस्टीन प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर डिवाइस बनाना था 1965 में शास्त्री जी के अंदर अंदर शुरू हो चुका था लेकिन फिर भाबा आपको जैसा मैंने बताया 1966 के जनवरी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का रुक जाता है उसके बाद एटोमिक एनर्जी कमीशन में डॉक्टर विक्रम सारा आते हैं दोस्तों डॉक्टर विक्रम सारा अगर आप देखें तो बहुत महान साइंटिस्ट हैं लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो रॉकेट्स की ओर था सैटेलाइट के ओर था और उसमें वो चाहते थे कि इंडिया का अमेरिका के साथ कोऑपरेशन हो और उस कोऑपरेशन के लिए उनको लगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब की अभी वो भी पैसिफिस्ट थे है ना वो भी कहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब की आवश्यकता नहीं है कितने लोग मर जाएंगे और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया था बदले में कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ रॉकेट्स को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना और वो सारा जो नॉलेज चाहिए उस तरफ हम मूव करना शुरू कर रहे थे वहीं अगर आप देखें तो 1967 में इस प्रकार से प्रोग्राम पूरा रुक जाता है लेकिन 1971 में अगर आप देखें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में 1972 में डॉ एचएन सेठना आते हैं डॉ एचएन सेठना जब आते हैं तो वापस न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का शुरू हो जाता है जहां पे होमी जहांगीर बाबा लगभग पूरा ग्राउंड सेट करके जा चुके थे जो जो चीजें भारत को चाहिए थी वो सब वो इंतजाम कर चुके थे उसके बाद डॉ एचएन सेठना आते हैं और इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप होती है बहुत ही मजबूत पोजिशन में होती है और इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब में टेस्ट कर लेता है अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो शास्त्री जी और डॉक्टर दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे और 1965 में जैसा आप देख सकते हैं सी ने खुद कहा है और इसी बात से अमेरिका नाराज था अब कैसे पता चला है दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक कंफे ऑफ रॉबर्ट क्राउली दोस्तों ये कौन है रॉबर्ट क्राउली अगर आप देखें तो सी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के सेकेंड इन कमांड है यानी कि ये अगर आप देखें तो कोवर्ट ऑपरेशन जितना भी सी का होता था पर्दे के पीछे वो सब के ये इंचार्ज थे उनका एक किताब है एक इंटरव्यू लिया है ग्रेगरी डगलस ने उनके साथ और उसी में किताब का नाम है कॉन्वर्सेशन क्रो उसमें अगर आप देखें तो क्राउली ने खुद माना है कि उन्होंने शास्त्री जी को भी डॉक्टर भाबा को भी मरवाया है और दोस्तों इतना ही नहीं ये लोग एक इस प्रकार का इतने बड़े पागल थे ये कि इतना बड़ा ये काम करने जा रहे थे कि एक राइस की बीमारी इन्होंने बनाई थी जिससे दुनिया में जहां जहां चावल पैदा होता है धान खत्म हो जाता ताकि ये चावल खाने वाले लोग भारत के चीन के साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम में सबके सब, सब भूखे मर जाएं ये इनका ग्रैंड प्लान था दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं किताब में क्राउली से इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसमें अगर आप देखें तो लाउड माउथेड लवर्स आजकल भी यही शब्द काफी सुनते हैं आप लोग ब्रैगिंग अबाउट है ना हाउ क्लेवर देवर एंड हाउ दे टू वर गोइंग टू बिकम ग्रेट पावर्स इन वर्ल्ड भारत की बात कर रहे हैं कि देखिए भारत ना न्यूक्लियर बम बनाने की ओर जा रहा था और उसके साथ वो कह रहा था कि हम भी ग्रेट पावर बनेंगे और उसमें अगर आप देखें तो नेम वॉज होमी जहांगीर बाबा उनके बारे में कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ओर भारत को लेकर के जा रहे थे और उसी में क्रॉली कहता है उनको तो हम वियना में भी उड़वा सकते थे जब वो प्लेन में इंडिया से एयर इंडिया की प्लेन थी जिसमें वो जा रहे थे उनको हम वियना में उड़वा देते लेकिन हमने सोचा कि इनको हाई माउंटेन्स में एल्पस के ऊपर जब प्लेन पहुंचेगा तब उड़वाएंगे सो दैट प्लेन के जो टुकड़े हैं जब वो गिरे तो बहुत तो पहाड़ में रहने वाले जो बकरियां हैं उनको ही दिखेगा और कोई पता भी नहीं चलेगा क्या तरीका था कैसे मरे क्या हुआ बस हाँ प्लेन क्रैश हो गया सब यही कह देंगे वैसे ही अगर आप देखें तो जब भाभा कैसे मरे ये बता दिया उसके बाद शास्त्री जी की बात यस एंड वी नेल्ड शास्त्री एज वेल well. शास्त्री जी को भी हमने मरवाया अनदर लविंग रैग हेड दोस्तों यहां पे वो क्या कह रहे हैं क्यों मरवाया उनका कहना था कि देखिए बिलीव मी दे क्लोज टू गेटिंग अ बॉम्ब इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था और वो कह रहे हैं तो क्या होता अगर वो पाकिस्तान को ही मारता तो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है वहां दोनों देश इंडिया देखिए पाकिस्तान देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं रैबिट्स की तरह ब्रीड करते हैं बच्चे पैदा करते हैं और ये सारी बातें वो कर रहे हैं उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे किस बात से डर था कि, कि ये रशियंस के साथ इनकी मिली भगत थी और इसमें अगर आप देखें तो कल को ये पनामा कैनाल नियुक्त कर देते तो यूएस का जो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट की कनेक्टिविटी है शिप्स के माध्यम से वो बंद हो जाती लॉस एंजलिस उड़ा दे तो इसलिए जरूरी था इनको हटाया जाए और हमने हटा दिया बिकॉज दे वर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब ये सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन के चीफ ने खुद कबूला है न्यूक्लियर बॉम्ब था तो उड़ा दिया यूएस इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो उड़ा देते हैं ये पॉलिसी रही है यहां पे देखिए दोस्तों ये लाइन पढ़िए डिड आई टेल यू अबाउट टू वाइप आउट आइडिया था कि एशिया के राइस क्रॉप को वाइप आउट कर दें खत्म कर दें एक हमने ऐसा डिजीज बनाया था जो कि राइस को खत्म कर देता मैप से यही स्टेपल डाइट है ना राइस ग्रोअर्स जो है इंडिया चाइना साउथ ईस्ट एशिया यही खाते हैं ना खत्म हो जाते इसमें अगर आप देखें यूएस में अनफॉर्चुनेटली उसके लिए अनफॉर्चुनेटली यूएस में जो राइस ग्रोवर्स हैं उनको पता चल गया और वो लोगों ने पूरा ऑपरेशन रोक दिया अब आपको लगेगा ये कैसी दकियानुसी बातें ऊट पटांग की बातें हैं कोई मानेगा ही नहीं आपको प्रूफ दिखाता हूं देखिए दोस्तों ये जापान टाइम्स में आर्टिकल है यूएस आर्मी टेस्टेड बायोलॉजिकल वेपन इन ओकिनावा राइस फंगस रिलीज इन इन एटलीस्ट टू जो ये कह रहे हैं जाके आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा उन्होंने यूएस आर्मी ने उनके रिसर्च लैब ने एक राइस ब्लास्ट डिजीज बनाया था जिससे राइस के प्लांट में आप अगर देखे तो इस प्रकार से उनमें मतलब ब्लिस्टर्स होने लग जाते थे जिससे क्या होता था कि वो प्लांट धीरे धीरे उसमें इंजरी होती थी और वो मर जाता था इस प्रकार से ये जो फंगस बनाया था ये पचासी देशों में था और इसको ये इस प्रकार से मॉडिफाई किए थे कि राइस जो कि करीबन उन दौर में 60 मिलियन लोगों को खिलाता था वो खत्म हो जाता बड़े इलाके से और लोग भूखे मरते ये इनका प्लान था भला हो यूएस में जो राइस ग्रोअर्स हैं आप देख सकते हैं थोड़े से इनको पता चला और इन लोगों ने ये ऑपरेशन शंट करवाया अदरवाइज इतना बड़े इलाके में जहां पॉपुलेशन बसी है ये सब भूखे मरते दोस्तों अगली कहानी यहां पे दोस्तों संजय गांधी जी आपको मालूम है प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु होती है लेकिन विकी लीक्स में एक है है जो आपको देख रहा है। प्लेन क्रैश के पहले तीन बार इन पर अटेम्प्ट किया गया था जिसमें एक बार इनको मारने के लिए हाई पावर्ड राइफल दूर से राइफल चला के भी मारने का प्रयास किया गया था दोस्तों इनकी मृत्यु होती है जून उन्नीस सौ अस्सी को दोस्तों यहाँ पे कौन है इसके पीछे आइए आपको इनकी कहानी बताता हूं संजय गांधी अगर आप देखें तो ये सोशलिज्म के खिलाफ थे ये कैपिटलिज्म को पसंद करते थे मित्रों के पढ़ें तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि वो केजीबी को पसंद नहीं करते थे केजीबी उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये सोशलिज्म को हटा के कैपिटलिज्म की ओर ले जाना चाहते थे और इसीलिए काफी ज्यादा के इनसे नाखुश थी लेकिन इमरजेंसी के दौर में पता चल गया था इंदिरा गांधी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो यही बनने वाले हैं इन्होंने कहीं ना कहीं पा, पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी उस पर अपना पकड़ दिखा दिया था और उसके बाद ये इस प्रकार से मारे जाते हैं प्लेन क्रैश में मरते हैं उसके पहले तीन अटेम्प्ट होता है अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके पीछे कौन हो सकता है कई लोग कहते हैं शायद के का सिग्नेचर है उनके डेथ के पीछे बैठाई गई थी कि किन हालातों में प्लेन क्रैश हुआ लेकिन उसने उस कमिटी ने या सिंगल ने उन्होंने आज तक अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है जो क्या इशारा कर रहा है बात क्लियर है कई बार रिपोर्ट सबमिट नहीं होते हैं कि सोवरेन रिलेशन खराब हो जाए दोस्तों थर्टी वन अक्टूबर नाइनटीन एटी फोर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मृत्यु होती है मॉस्को कहना शुरू कर देता है उस टाइम सोवियत यूनियन आई ए ने कराया है सीआईए ही खलिस्तानियों को पाल रहा है और उसी के कहने पे इंदिरा गांधी जी जो गोली चलाने वाला है लेकिन जो ऊपर से पूरा प्लान बना रहा है और इसको इंप्लीमेंट करवा रहा है उसके पीछे सी है हालांकि दोस्तों यहाँ पे यूएस को लगता था कि इंदिरा गांधी जी काफी ज्यादा अगर आप देखें तो यूएसएसआर के क्लोज हैं और ऐसा कहा भी गया है कि इनके मृत्यु के बाद सबसे बड़ा नुकसान यूएसएसआर को हुआ है हालांकि दोस्तों यहाँ पे हो सकता है सीआईए ने कराया हो ये कोई पक्का तो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते ना ही अब तक कोई डॉक्यूमेंट इस प्रकार का डीक्लासिफाई हुआ है ना ही किसी ने जैसे क्राउली ने कबूला है ना ही वैसे किसी ने कबूला है तो यहाँ पे तो हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन आपको बताना चाहूंगा ऑनवर्ड्स इंदिरा गांधी जी यूएस के तरफ रुख अपना मोड़ रही थी यूएस प्रेसिडेंट रिगन से मिलने भी गई थी वो नाइनटीन की बात है तो अब यहाँ पर दोस्तों एवरीथिंग इज इन ग्रे जोन यहाँ पे आपको दिखाता हूं लेकिन एक चीज है जो कि संदिग्ध थोड़ी सी इस पूरे हालात को बनाती है इनकी मृत्यु हुई है 1984 में दो साल पहले यहां पे अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो दिसंबर 1982 एटी जरा आपको जूम करके दिखाता हूं शायद अब आप देख रहे होंगे ये देखिए दिसंबर 1982 का एक आर्टिकल है, आर्टिकल है है नहीं रादर CIA का एक रिपोर्ट है ये जो सीआईए का रिपोर्ट आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी जी के बाद कैसा भारत होगा इस पर चर्चा हो रही है अब अगेन ये डी रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि बाद में किस प्रकार से होगा तो उस पर चर्चा की गई है हालांकि बाद में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो कहते भी हैं कि देखिए असासीनेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी यूएसएसआर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उसके बाद क्या होने वाला है तो उसके और भी बाद में बात की गई है लेकिन एक रिपोर्ट सी के पास पहले से थी नाइनटीन जिस वक्त यूएस प्रेसिडेंट रिगन से यह मिल रही थी उस वक्त सी इस प्रकार के ख्वाब देख रहा था इंदिरा गांधी जी कोई बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं थी शी शीवॉज परफेक्टली फिट हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं था फिर भी इस प्रकार की बातें वहां पर चर्चा हो रही थी कि उनके मृत्यु के बाद असैसिनेशन हो जाए पॉलिटिकल रिटायरमेंट हो जाए तो क्या होगा भारत का भविष्य यहाँ पे देखिए उनकी मृत्यु के बाद सीआईए क्या बात कर रहा है वो कह रहा है कि यूएसएसआर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहां पे अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में यूएसएसआर अपना प्रीडोमिनेंट पोजिशन न्यू दिल्ली में बना के रखेगा हालांकि सोवियत अगर आप देखें तो गांधी इंदिरा गांधी जी के बाद अपना रोल मजबूत करने का प्रयास करेगा इंडिया में और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोवियत को उनका यंगर सन संजय गांधी बिल्कुल पसंद नहीं था और राजीव गांधी लेकिन उसको पसंद करते थे राजीव गांधी जी को यहाँ पे अगर आप देखें तो 1983 में राजीव गांधी जी को मॉस्को बुलाया गया था टू वीक विजिट के लिए इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया था मॉस्को के द्वारा जो कि नॉर्मली चीफ ऑफ स्टेट को दिया जाता है उस प्रकार से वो ट्रीट कर रहे थे तो ये सारी कहानी आपको देखने मिलेगी वैसे ही जब इसी में अगर आप आगे पढ़े तो आपको देखने मिलेगा कि जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है जो कंडोलेंस मैसेज है वो इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानी जी को नहीं दिया जाता है बल्कि राजीव गांधी जी को दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है जैल सिंह जी को नहीं दिया जाता है राजीव गांधी जी को कंडोलेंस मैसेज भेजा जाता है जो कि प्रोटोकॉल्स के अलग खिलाफ है हेड ऑफ द स्टेट को देने के बजाय तो ये बताता है कि कि मॉस्को ने पहले सही डिसाइड कर लिया था कि भाई राजीव गांधी जी अगले हायर होने वाले हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के हालांकि मे इक्कीस उन्नीस सौ इक्यानवे इनकी भी मृत्यु हो जाती है अब दोस्तों इनकी मृत्यु अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो कुछ क्लैरिटी सच है नहीं इतना मालूम है एल ने करवाया है अब कई लोग कहते हैं एल को भी कहीं ना कहीं किसी वेस्टर्न एजेंसी ने सपोर्ट किया था हालांकि उस वक्त की जो जियो थी सोवियत यूनियन खत्म होने वाला है आप देख सकते हैं 1991 है बस कुछ महीनों का वो मेहमान है अपनी समस्याओं से भी घिरा हुआ है वो तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा इस वक्त एस सच अब तक कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं है लेकिन एक बात तो तय है भारत में भी एसैसिनेशन का, का काफी इस्तेमाल हुआ है दोस्तों एसैसिनेशन के बाद

कि भारत के टॉप जर्नलिस्ट सीआईए के पेरोल में है इतना ही नहीं दोस्तों कहा जाता है उन दिनों में केजीबी के पास करीबन भारत में 50 से थोड़ा कम 47, 48 न्यूज पत्रिकाएं थी जो केजीबी चलाती थी भारत में प्रोपोगेंडा रन करने के लिए बदले में सीआईए भी इसी प्रकार से कई पत्रिकाएं कई मैगजीन भारत में निकाला करती थी और उन सब का प्ले भारत था जहां पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था वो ग्राउंड इंडिया था

को बेबाकी से आप लोगों तक ला पाएं। कि अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से भी सहायता दे सकते हैं इसको आप स्कैन कर सकते हैं इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना आपके बेल आइकन को दबाना और बाकी वीडियोज का भी आपको लिंक मिल रहा है इसको भी जरूर देखिएगा काफी कुछ जानने समझने सीखने इसमें आपको मिलेगा